तो चलिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो उसका हमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कितने मेथड होते हैं उसके। तो सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में। तो देखिए अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्वड यूजिंग थ्री मेथड। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम थ्री मेथड्स यूज कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा कितने, थ्री मेथड्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट मेथड है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ज्यादा से ज्यादा कितने, तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। थर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो चलिए हमने देखिए एक क्वेश्चन भी लिया है आपको समझाने के लिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो फाइव बाई फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम पहले आपको बताएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो उसके बाद आएंगे लास्ट में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप क्लास नाइन से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, यानी मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके आपको पता है। चलिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन ले लेते हैं उसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स या कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे क्या, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है 20 है इसको लेंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 20 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 लिया और कांस्टेंट टर्म 20 लिया और इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या है, 20 आया। अब 20 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करने पे 8 आ जाए, अगर प्लस होता तो प्लस करने पे 8 लाते। ये जो साइन होता है कांस्टेंट वाला, जो कांस्टेंट टर्म के जो कांस्टेंट टर्म का साइन होगा उसी पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसका हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि अगर माइनस है तो माइनस करने पे एक्स का कोफिशियंट यानी 8 आना चाहिए, अगर प्लस होता तो प्लस करने पर एक्स का कोफिशियंट 8 आना होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 20 आया, 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 8 आ जाए। तो 20 का फैक्टर ढूंढिए, आपको इजीली मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 10 2 20, 10 2 8। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल गया 10 और 2 10 2 20 और 10 2 8 मिल गया ना फैक्टर, यानी 10 और 2, यानी हम एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 2। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह हमें फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, एक्स की जगह क्या लिख, सॉरी 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ढूंढा हमने 10 माइनस 2, तो हम लिख देंगे 8 की जगह 10 माइनस 2 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x + 2x - 20 इज इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x, दो यहाँ पे देखिए दो दो टर्म का हम पेयर बना लेंगे, दो का ये बनाया फिर प्लस ये दो का यहाँ बना लेंगे 2x - 20। ये सारी पढ़ी हुई चीजें लेकिन एक बार हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 10, यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, प्लस 2 कॉमन हो रहा है, देखिए प्लस 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 10 बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 10 यहाँ भी, एक्स माइनस 10 यहाँ भी, एक्स माइनस 10 फिर से कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, हमने कॉमन ले लिया एक्स माइनस 10, जब एक्स माइनस 10 यहाँ यहाँ देखिए कॉमन हो रहा था, कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 2, क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी रूट्स निकालना है, जीरो निकालना है, तो निकाल दीजिए आप यहाँ लिख सकते हैं इफ, पहले पहला वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, पहला वाला क्या, इफ एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 10। फिर ऐसे दूसरा वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, दूसरा वाला क्या है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 आएगा ना, प्लस 2 आर एच एस में ट्रांसफर करेंगे माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आई 10 और एक्स की वैल्यू आई माइनस 2, यानी आप आंसर लिख सकते हैं, रूट्स आ गए आपके, फाइंड द रूट्स कह रहा था, रूट्स आपने निकाले, रूट्स कितना है 10 और माइनस 2, देखिए एक 10 आया दूसरा माइनस 2 आया। आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा यानी डिग्री 2 का इक्वेशन रहेगा तो उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं। यहां से आप पता लगा सकते हैं 2 डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री इक्वेशन, तो जो वेरिएबल की जो डिग्री रहेगी, ये कह सकते हैं जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी,
हाफ एक्स पावर कितनी रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 रहती है, तो मैक्सिमम जीरोस भी 2 रहेंगे, मैक्सिमम जीरोस कितने 2 रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 रहेंगे या फिर हो सकता है 1 रहे या फिर हो सकता है 1 भी ना रहे, वो कंडीशन है वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2, 2 उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है। ये है मेथड इसका, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड। बिल्कुल इसी तरह मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम जीरोस निकाल सकते हैं, देखिए निकाला गया, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कर लीजिए।